नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीइंग ब्लिस में। ओम शांति। ये शेयर करना चाहूँगा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग द बेस्ट टू हैपन एवरी टाइम, बट एक्सेप्टिंग दैट व्हाटएवर हैपन्स इज द बेस्ट फॉर दिस मोमेंट। जो हम सीखते हैं वो ये कि पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सबसे बेस्ट थॉट क्रिएट करना, हर सिचुएशन में बेस्ट थॉट, हर रिलेशनशिप में बेस्ट थॉट। लेकिन फिर हम ये कहते हैं मैंने इतना पॉजिटिव सोचा तो वो हुआ नहीं ना जो हमने सोचा था। तो पॉजिटिव थिंकिंग की भी कितनी सुंदर मीनिंग समझ में आई कि पॉजिटिव थिंकिंग डजंट मीन टू एक्सपेक्ट द बेस्ट एवरी टाइम, but to accept that what is happening now is the best for this minute. It's so beautiful, na? This is so powerful. पढ़ते वक्त भी मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ जितना आपने अब कर दिया। This is so powerful कि क्यों अभी जो हो रहा है यहाँ, अगर हम कहें कि best पहुँचना है अभी, तो मेरे लिए positive thinking अभी ये होगी कि सब best होगा, मौसम best होगा, आसपास आवाज़ नहीं होगी, कैमरा ठीक चलेंगे, आप और मैं टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो दिस विल बी माय पॉजिटिव थिंकिंग। ये मैंने पॉजिटिव थिंकिंग की, लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ें वैसे होने वाली। एक आदमी बीमार हो गया, ऊपर से प्लेन जा रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इस वक्त जो हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करो कि दिस इज द बेस्ट फॉर नाउ। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सही सोच हर परिस्थिति में, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग वो पॉजिटिव इमेजिनेशन है। फिर हम बोलते हैं मैंने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो है कि हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति परफेक्ट होनी चाहिए, वो भी परफेक्ट किसकी डेफिनेशन से, परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन हर एक व्यक्ति और हर एक परिस्थिति परफेक्ट होगी, लेकिन परफेक्ट किसकी डेफिनेशन से, एक तो उनके संस्कारों से और हमारे कार्मिक अकाउंट से। तो अब अगर मैं सोचूं ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, तो वो होने वाला नहीं है। और जैसे वो नहीं होगा मेरे अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और मेरे अंदर अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो वो पॉजिटिव थिंकिंग था ही नहीं। मैं अगर पॉजिटिव थिंकिंग कर लूँ कि मेरी पिक्चर बहुत चल रही है, फ्राइडे में टिकटें बिक रही हैं, पोस्टर है, पेपरों में छप गया कि फैंटास्टिक और लाखों करोड़ों लोग देखने आए हैं पिक्चर, और दूसरे दिन फेल हो जाए, तो पहले तो मैं क्या उसको एक्सेप्ट करूं उस पोजीशन को? अच्छा, सिचुएशन आने से पहले एक विजुअलाइज किया, एंड विजुअलाइज मींस एक एनर्जी क्रिएट की, कल ये पिक्चर रिलीज होगी, इट विल बी अ हिट, एवरीबडी विल लाइक इट एंड ऑल दैट सीन। तो आपने एक ये सीन क्रिएट किया। अब नेक्स्ट डे हो सकता है वही सीन हो सकता है सीन थोड़ा सा चेंज हो जाए, हो सकता है सीन एक्सट्रीमली चेंज हो जाए। अब मेरी पॉजिटिव थिंकिंग तो मुझे हर मिनट चाहिए ना, नॉट कि पॉजिटिव थिंकिंग सीन होने से पहले, और जब सीन आए तो मेरी थिंकिंग डिस्टर्ब्ड। क्योंकि जो मैंने सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश की थी वो सिचुएशन नहीं हुई, वो सिचुएशन हुई नहीं ना, हुई नहीं ना, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। तो अब जब ये उल्टा हो गया तब भी तो पॉजिटिव सोचना है ना। यही तो कह रहा हूँ कि अब मैं सोचूं कि वाह 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 मेरी पिक्चर फ्लॉप होगी, एक्सेप्ट करूँ। एक्सेप्ट क्यों करना है? क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मेरे संस्कार का रिस्पॉन्स और मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट का रिस्पॉन्स है जो कुछ, और वो इस समय मेरे लिए एब्सोल्युटली एक्यूरेट है। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता था। This is 100%. My karmic accounts only come back to me. उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था। Next minute मेरे कंट्रोल में है, ये मिनट परफेक्ट है। अब मुझे अगर स्मूथ जर्नी पे चलना है, मुझे हर मिनट पॉजिटिव सोचना है। ऐसे नहीं पहले पॉजिटिव सोचा फिर डिस्टर्ब हुआ। तो पॉजिटिव सोचना मतलब मेरे साथ जो होगा, इवन बिफोर विजुअलाइजिंग, मेरे साथ जो होगा वो एक्यूरेट होगा, फेयर होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मेरे लिए बिल्कुल सही होगा। हमारी प्रेयर भी यही होगी। यू नो, जब हम प्रे भी करते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, भगवान के साथ कनेक्शन भी जोड़ते हैं, इट्स लाइक इट्स लाइक एक बच्चा एक पेरेंट को कहे कि मेरे लिए ये कर दो, और दूसरा ऑप्शन है एक बच्चा एक पेरेंट को कहे कि मेरे लिए जो सही है, आपको जो लगता है मेरे लिए अच्छा है, आप वो कर दो। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। लेट्स से मैंने एक डिज़ायर क्रिएट की, मुझे ये खिलौना चाहिए, और मैं पेरेंट को जाकर कहूँ मुझे ये ही खिलौना लेके दो, और एक है कि मैं पेरेंट को कहूँ आपको जो लगता है कि मेरे लिए जो अच्छा सही खिलौना होगा वो आप मुझे लेकर दो। दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर हमने सीन ऑलरेडी क्रिएट कर दिया तो फिर हमारे हिसाब से सिर्फ वो ही सही सीन है और कोई सीन राइट हो ही नहीं सकता है। तो हमने एक दिस इज़ डिज़ायर कि एक सीन को, एक व्यक्ति को, एक मीटिंग को, एक इंटरेक्शन को पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं, विच मीन्स स्क्रिप्ट हमने आने वाले सीन की पहले से ही लिख दी। सपोज़ हम गाड़ी में जा रहे हैं, मीटिंग है, इसके बाद हम मीटिंग के बारे में कार में पहले ही सारा स्क्रिप्ट क्रिएट कर देते हैं। हम वहाँ पहुँच जाएंगे, टाइम पे पहुँचेंगे, वो लोग भी टाइम पर आ चुके होंगे। सबसे पहले वो मुझे चाय तो पूछेंगे, मैं चाय ही नहीं पी कर आया सुबह घर से, सो दे विल ऑफर मी टी। फिर हम 9 बजे अपनी मीटिंग शुरू कर देंगे। फिर मीटिंग में वो ये बोलेंगे, फिर मैं ये कह दूँगा उनको, वो अपनी पॉइंट रखेंगे, लेकिन आई विल कन्विंस देम। कैसे? ये पूरी स्क्रिप्ट हम कार में बैठे बैठे कर लेंगे। अब सिचुएशंस कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है मैं ही ट्रैफिक जैम में अटक जाऊँ आगे जाके, तो फर्स्ट लाइन मैं टाइम पर नहीं पहुँचा। सेकंड, वो मेरे से भी ज़्यादा लेट हो गए, वो किसी और प्रॉब्लम में अटक गए। थर्ड, आने के बाद उनको भूल ही गया, उन्होंने मुझसे चाय पूछी ही नहीं। दे गॉट सो एंटेंगल्ड क्योंकि वो लेट आए, मैं लेट आया, मीटिंग ले, उन्होंने चाय मुझसे पूछी ही नहीं। मीटिंग जिस नोट पे शुरू होनी चाहिए थी शुरू ही नहीं हुई। मैंने जो सोचा कि वो बोलेंगे वो बोले नहीं, वो बोला नहीं, उन्होंने तो कम्प्लीटली कोई और बात बोल दी। अब क्योंकि मैंने सोचा था मैं इस तरह से रिस्पॉन्ड करूँगा, लेकिन उनकी बात तो कुछ और ही निकल गई। मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था, मैंने रिएक्ट एकदम डिफरेंट तरह से कर दिया। अब पूरी स्क्रिप्ट चेंज। लेकिन क्योंकि हमने पहले से एक और स्क्रिप्ट क्रिएट की हुई थी, हम चाहते थे कि हमारा जीवन बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट के अनुसार हो, सिचुएशन ऐसे ही हो, बच्चा ऐसा हो, बहू ऐसी हो। मैं पहले से सिचुएशन को क्रिएट करके नहीं रखूँ, मैं स्क्रिप्ट पहले नहीं लिखूँ, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट मैनिफेस्ट होने वाली नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हर रिलीजन सिखाता है कि डिज़ायर्स इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की विद्या भी नहीं होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ डिज़ायर भी नहीं होना चाहिए। जिस आत्मा के अंदर इच्छा मात्रम अविद्या होगी वो आत्मा खुश रहेगी। क्यों? जिस आत्मा के अंदर इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो जब हम सुनते हैं ये लाइन को तो हम कहते हैं मतलब इच्छा ही नहीं, मतलब कोई डिज़ायर नहीं होनी चाहिए कि ये हो, ये मेरे पास हो, ऐसा कोई डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। मतलब आने वाली सीन, ये रिलेशनशिप, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो हमारी डिज़ायर है। ये ऐसा ऐसा होगा, ये ऐसा ऐसा होगा। ये स्क्रिप्ट पहले क्रिएट करने से मेरी अटैचमेंट उसके साथ हो जाती है। अंदर मेरे को वो ही सीन सही लगता है, सीन बदल जाता है, और क्योंकि सीन वो नहीं हुआ जो मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था, आई विल गेट डिस्टर्ब्ड। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग दैट दिस सिचुएशन एज इट इज़ एट दिस मोमेंट इज़ द बेस्ट, रादर देन एक्सपेक्टिंग द बेस्ट इन एवरी मोमेंट। पर्सपेक्टिव ही बदल गया कम्प्लीटली। ये भी फिर मजबूरी है कि मेरी पिक्चर फ्लॉप हो जाए और मैं बोलूँ कि यार पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स कि आज मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि जो है मेरे लिए बेस्ट है। अच्छा, फिर अगली पिक्चर में देखते हैं। ऑप्शन कुछ नहीं है, रोते रहेंगे या फिर हंसते रहेंगे। और क्या जीवन का लक्ष्य क्या है? खुशी, उमंग, उत्साह और अगले पल के लिए अपनी पूरी एनर्जी को लगा देना। एंड ये कोई इमेजिनेशन या अपने आप को बहलाने के लिए नहीं है कि अच्छा एक्सेप्ट दिस इज द बेस्ट। इट्स द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा। वी आर नॉट जस्ट सेइंग इट टू फूल आवर सेल्फ के कोई बात नहीं ना, इसको बेस्ट समझो, ये जो हुआ उसको बेस्ट समझो। लॉ ऑफ कर्मा को हर आदमी मान ले तो फिर मेरी माँ मर जाए या डैडी को कुछ हो जाए या तबीयत किसी खराब हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए तो फिर आदमी हिले ही नहीं। इमोशनली सब ठीक, चीज को एक्सेप्ट करे, रोना नहीं, धोना नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं, आराम से आप सुखी बैठे हैं जैसे कि आप। पर वही चाहिए था ना, वही चाहिए था ना। बट हम धरती पे, हम हेवन में थोड़ा ही हैं। धरती पर हेवन हमें वेट नहीं करना है, धरती पर हेवन हमें क्रिएट करना है। और कहाँ क्रिएट करना है हेवन? धरती पर भी नहीं क्रिएट करना। यहाँ आपकी भाषा में ये हेवन इज नॉट हियर, हेवन इज हियर। ये मुश्किल है, ये एक अभ्यास है, नॉलेज कि जैसे जैसे हर सीन आती जाएगी उस सीन को एक्सेप्ट करें कि दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज हाउ दिस सीन वाज मेंट टू बी। आई मे हैव डिसाइडेड कि यहाँ आज सब कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, वो ही होने वाला है, वो ही होने वाला है व्हाट इट वाज मेंट टू बी। एंड मेंट टू बी आल्सो अकॉर्डिंग टू व्हाट? मेंट टू बी आल्सो अकॉर्डिंग टू माय पास्ट कर्मा। तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तो हम उस सीन को अगर एक्सेप्ट करते हैं, दिस सीन इज़ द बेस्ट नाउ। इसने क्या किया? मेरे पर चिंतन को, मेरी चिंता को, मेरी डिस्टर्बेंस को फुल स्टॉप लगाया। मतलब इस पल ब्लिस, इस पल खुशी, स्थिरता। अब इसी खुशी से नेक्स्ट मिनट। मैंने भी बचपन में लाइन सुनी थी, चिंता ताकि कीजिए ये अनहोनी होए। अभी आपने चिंता की बात की, तो चिंता में तब करूं अगर इस चीज को अनहोनी कहूं तो ऐसा ही होना था। तो ये एक मुझे बड़ा एक हारी हुई लाइन लगती है कि फिर फाइटिंग नहीं लगता है इसमें। आप करें फाइटिंग, मतलब पुट इन योर बेस्ट एनर्जी, पुटिंग योर बेस्ट एनर्जी इनटू एवरीथिंग। कमजोर लाइन नहीं है, बट चिंता ही नहीं करो, जो हो रहा है होने दो। चिंता कमजोरी है, मतलब ट्राई आवर बेस्ट, डू योर बेस्ट, उसके बाद चिंता नहीं करना, ये मतलब है। चिंता क्या करती है? व्हाट इज चिंता? चिंता मतलब ड्रेन करने वाली विचार। ऐसा हुआ तो, नहीं हुआ तो, क्या हुआ तो, अगर हुआ तो। वो कहते भी है ना, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान है। तो डू योर बेस्ट, अब आफ्टर डूइंग योर बेस्ट आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। डू योर बेस्ट, एक्सेप्ट द रिजल्ट और आगे बढ़ो नेक्स्ट। यस, अगेन डू योर बेस्ट। लेकिन अगेन डू योर बेस्ट के लिए क्या करना होगा? इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे आपने कहा, सपोज एक मूवी कल फेल हो जाती है, लेकिन आपने उस मूवी के लिए यू हैव डन योर बेस्ट, यू हैव डन योर बेस्ट, बट दैट्स नॉट द लास्ट मूवी, दिस इज नॉट माय लास्ट प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट माय लास्ट मीटिंग। इंग्लिश में कहावत है ना, यू फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। बट ट्राइंग वेयर? हम ये प्रॉवर्ब को पकड़ लेते हैं, हम इसको समझ भी लेते हैं कि आई विल नॉट गिव अप, आई विल कंटिन्यू डूइंग, बट इम्पोर्टेंट इज हियर माय एवरी फेलियर। Now it says it's not a failure. It happens what it was meant to be. ये thought हमें acceptance का सही meaning सिखाता है। अगर मैंने expect किया था कि आप मुझसे आज सुबह इस तरह से बात करेंगे, means मैंने पहले ही वो scene को create किया, लेकिन आपने एक completely अलग तरह से व्यवहार किया, लेकिन वो जो आपने किया वो return of माय पास्ट कर्मा है। अब इसको एक्सेप्ट करें, आपके संस्कार को एक्सेप्ट करें, अपने भाग्य को एक्सेप्ट करें। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। अब ये सारी एनर्जी कहाँ लगा दें? आपके लिए अच्छा सोचने में, क्योंकि अब अगर मैं आपके लिए अच्छा सोचूंगी तो मेरा ये मिनट भी सुखी है और मेरा नेक्स्ट मिनट भी फिर अच्छा हो जाएगा। उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर बढ़ गया। अगर मेरा ये मिनट अच्छा है, आपने कहा चिंता, अगर ये मेरा ये मिनट दर्द में है तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट मिनट बीइंग हैप्पी विल रिड्यूस। आज अगर आपका पूरा दिन अच्छा बीते, रात को नींद भी अच्छी आए, तो आपकी सुबह उठते ही स्थिति कैसी होगी? फ्रेश, हैप्पी। आज का कैरी फॉरवर्ड कल पे होगा। कल खुश रहने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, फिर कल अच्छा बीतेगा, कैरी फॉरवर्ड इधर होगा। लेकिन अगर आज बीता कल की चिंता करने में, ऐसा हुआ तो, नहीं हुआ तो, ये हुआ तो आज कैसा बीता? टेंशन में। टेंशन में दिन गया तो रात भी उसी थॉट के साथ कल की सुबह होगी। अब कल की सुबह क्योंकि ऐसी होगी, भले परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी कल आपके लिए, लेकिन कल का दिन पास्ट जो था वो चिंता में बीता था, तो आज का दिन भी मन की स्थिति कैसी होगी, खुश हो ही नहीं सकती। तो इसलिए चिंता विल नेवर गेट मी एनी गुड रिजल्ट, इवन इफ द सिचुएशन इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। चिंता सिर्फ और सिर्फ मेरी जर्नी को पीछे खींचेगी। चिंता चिता समान, ये लाइन जानते हुए भी मैं फिर भी चिंता करता हूँ। हाँ, हम चिंता करते हैं जब तक हम ऑलरेडी कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी चिंता करते हैं। चिंता क्यों है? क्योंकि जो मैंने सोचा वैसा होना चाहिए, इस बात की चिंता है, एक्सपेक्टेशन। लेकिन अगर मैंने अपना बेस्ट कर दिया और मुझे ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि कल जो होगा वो मेरे कर्म प्रेजेंट के और मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट का सम टोटल, मेरे पास कल जो आएगा वो एक्यूरेट होगा और मेरे लिए जितना मैं डिज़र्व करती हूँ अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से वो ही आने वाला है। मेरी आज चिंता मेरे कल आने वाले रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकती, इनफैक्ट मेरे अभी के कर्मा को वो नेगेटिव बना रही है। व्हेन आई अंडरस्टैंड दिस, आई स्टॉप एक्सपेक्टिंग and start accepting more. It will not happen again in one day. कई बार कुंडली देखने वाले पंडित, ब्राह्मण, गुरुज, मास्टर्स, बड़े बड़े आशीर्वाद देने वाले, मतलब संत, कई बार अगर हमको समझो 20 साल से एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं अभी आपका टाइम, अगले साल अच्छा आ जाएगा, चिंता मत करो अगली बार हो जाएगा, चिंता नहीं करो आप तो, आपके भाग्य में इतना अच्छा लिखा हुआ है, आपको ये हो जाएगा, आपको अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसकी भी एक बंदे की लिमिट होती है, भी अच्छा कब होगा? अच्छा होगा, अगले साल अच्छा होगा। अच्छे की डेफिनेशन क्या है? जो मैं चाहता हूँ वो। तो अगले साल अच्छा होगा नहीं, अगले साल सही होगा। इस साल भी सही हो रहा है, अभी जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है। तो गीता का सार हम बचपन से सुन रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा वर्ड होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अच्छा फिर मेरी डेफिनेशन ऑफ अच्छा से होना चाहिए था। तो दिस इज राइट। सपोज आई फॉल डाउन जस्ट नाउ, ठीक है, तो वो भी राइट है आपके लिए। वो अच्छा नहीं है मेरे लिए, लेकिन वो मेरे लिए राइट है बिकॉज वो मेरे कर्म, मेरे पास्ट कर्म और मेरे प्रेजेंट कर्म का रिटर्न है, वो एक्यूरेट है। अच्छा जो हमको सिखाया गया, अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है और अच्छा होने वाला है। और फिर मैं बोलूँगा कहाँ अच्छा हुआ? You're so right, बहुत अच्छी बात। अच्छा means accurate. अच्छा doesn't mean the best. That is what the best. अच्छा means accurate. जो हो रहा है वो accurate. जो होगा वो भी absolutely accurate, क्योंकि law of karma is absolutely accurate. हमें बहुत सुंदर एक लाइन सीखने को मिलती है, इस ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है और कल्याणकारी है। इसको एक मंत्र की तरह पकड़ के रखें, एंड हर सीन एक्यूरेट है बेस्ड ऑन कार्मिक फिलोसफी। हर सीन एक्यूरेट है, मेरे साथ इनएक्यूरेट तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इफ़ आई फॉल नाउ दैट इज़ ऑल्सो एक्यूरेट, इट वॉज मेंट टू हैपन। Meant to happen, why? According to what I had created. तो वो accurate है, fair है, कल्याणकारी है। क्योंकि कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि वो बात आई, लेकिन अब अगर मैं उसको एक कल्याणकारी परिस्थिति में देखती हूँ तो मेरी अभी की थॉट कैसी होगी? वो एक श्रेष्ठ चिंतन होगा, तो उससे जो मेरा आने वाला समय है वो अब सारा ठीक हो जाएगा। ये सारा दिन अगर हम हर बात को देखें, जब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, हमारा पर चिंतन खत्म हो जाएगा। हमारा बहुत पर चिंतन चलता है, क्यों, क्या, कैसे, ये पर चिंतन वेस्ट ऑफ एनर्जी, खुशी को ख़त्म करता है। एक्सेप्ट करते हैं, ये जो हो रहा है ये फेयर, एक्यूरेट, दिस इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, एंड दैट्स व्हाई इट सेज पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू नाउ इज़ द बेस्ट, नॉट एक्सपेक्टिंग द बेस्ट टू हैपन। अगर मैं रियल लाइफ में रोज उम्मीद कर रहा हूँ और खुश नहीं हूँ। घर छोटा है, ये बीवी ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं मिली, बच्चे मेरे ऐसे हैं, देखता ही रहूँ और उम्मीद करूँ कि कब वो मुझे मिलेगा आइडियल जो मेरा इमेजिनेशन है, वो तो फिर सारी जिंदगी गुजर जाएगी बेकार सोचते हुए। तो वही हो नहीं रहा क्या? कितनी सुंदर आपने बात कही, रियलाइज हुआ मुझे। बट वो हो रहा है ना। हाँ, मतलब कितना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मैंने क्या क्या लॉस किया अपना। लॉस क्या? खुशियाँ भी लॉस की, खुशियाँ ही लॉस की। बाप रे, आपने इतना दिमाग मेरा एकदम ओपन कर दिया ये बात। ये पॉजिटिव, यू नो, कई बार हमें बहुत सारे भाई बहने मिलते हैं, कहते हैं हमने समझा पॉजिटिव थिंकिंग, तो हम ये पॉजिटिव अब सोच रहे हैं कि हमारा ये बच्चा, ये हमारे हस्बैंड या वाइफ, ये बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे, ये पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी। बाप रे। सो एक्सपेक्टिंग देम टू बिकम द बेस्ट, नॉट एक्सेप्टिंग दैट हाउ दे आर नाउ। आप जो हैं जैसे हैं बेस्ट हैं। जब तक एक्सपेक्टेशन है तब तक खुशी। जैसे आपने कहा, जो घर है, जो फैमिली है, जो सिचुएशन है, फिल्म हिट है या कई बार नहीं है, उस क्षण उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये घर जो मेरा है ब्यूटीफुल, ये इस समय मेरी मेहनत मेरा भाग्य, दोनों चीज़ें है ना, एंड भाग्य बेस्ड ऑन माय पास्ट कर्मा। तो इस समय ये मेरा बेस्ट है, ये संतुष्टता है। यू नो क्यों हम कहते हैं हम कंटेंटेड नहीं हैं। आज हमारे पास जीवन में सब कुछ है, संतुष्टता नहीं है। संतुष्टता हो ही नहीं सकती टिल वी आर एक्सपेक्टिंग द बेस्ट। जब तक मैं नेक्स्ट मोमेंट में कुछ एक्सपेक्ट करती रहूँ तो संतुष्ट कैसे हो सकती हो? संतुष्ट मीन्स कम्प्लीटली हैप्पी विद वॉट इज नाउ एंड नो डिज़ायर, प्रेपरेशन फॉर द नेक्स्ट मिनट, बट हैप्पी विद द नाउ। इस वक्त अगर समझो मेरे सामने जो कैमरामैन है वो हिलता जा रहा है, डिस्टर्ब मैं हो जाऊँ उसको, तो मेरी कितनी हैप्पीनेस जो है चली जाएगी। इस समय की आपकी पॉजिटिव सोच कौन सी है वो क्रिएट करें। इट्स टीचिंग अस पॉजिटिव थिंकिंग। आपके सामने जो खड़ा है, पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि भाई इसके नेचर में ऐसा है, इसका ये संस्कार है, तो जो है ठीक है, मेरा काम मैं अपना करूँ। क्यों, व्हाई शुड आई गेट डिस्टर्ब्ड? ही इज फाइन। एंड लेकिन उसके बाद हम बताएंगे भी नहीं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चले, मेरे थिंकिंग से वो चले, मेरे दिमाग में मैं जो सोच रहा हूँ उसके दिमाग में घुस जाए, इतना सब तो नहीं सोच सकता ना, जो हो नहीं सकता ना। हाँ, आप सोच तो सकते हैं लेकिन वो हो नहीं सकता। जब हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, तो कोई कहेगा पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स ही विल चेंज, वो बदल जाएंगे, मैं मन्नत रखूंगा सब हो जाएगा। इसको दुनिया को बदलने के लिए मन्नत हो रही है, दुनिया को बदलने के लिए, और जो मेरी डिजायर है, चाहे लोगों के प्रति चाहे सिचुएशन के प्रति, उसको मैनिफेस्ट करवाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हमारी हर प्रार्थना, हमारी हर मन्नत किस चीज़ पर फोकस्ड है कि मेरी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो जाए, जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। ये हमारी हर प्रार्थना है, हर मन्नत है। खुश रहना है तो उसके लिए बहुत ईजी प्रार्थना और मन्नत भी है। आप प्रार्थना करें, मन्नत मांगे कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए मैं शक्तिशाली बन जाऊं। ब्यूटीफुल। देन लाइफ विल बी वेरी हैप्पी। इफ़ वी आर गोइंग टू कीप प्रेइंग कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए, वो प्रेयर कभी पूरी होने वाली नहीं है। हमारी चाहत, हमारी डिजायर्स, हमारी वांट भी तो बदलती ही रहती है ना, और बढ़ती भी रहती है। हमारी डिजायर्स चेंज होती जाएंगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब कुछ जो हम डिज़ायर करते हैं वो नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, कुछ तो जो डिज़ायर की थी उससे भी अच्छी मिलेंगी। मतलब क्यों? आपने सोचा आपको एक फ्लैट मिलेगा, मिल गया एक बहुत बड़ा बंगला। एम एक फ्लैट का ही रखा था, ये भी हो सकता है। इट्स नॉट कि जो हमने डिज़ायर रखी थी वो ही मिलती है या उससे कम मिलती है। कितनी बार हमने जो डिज़ायर रखी थी उससे कई गुना अच्छी चीज़ मिलती है। दैट ऑल्सो हैपन्स, क्योंकि जो मिलना है वो डिज़ायर अनुसार मिलना नहीं है। इसीलिए तो नहीं तो डिज़ायर से ज़्यादा कैसे मिल सकता है? जो मैंने डिज़ायर रखा, जिस चीज़ के लिए मेहनत करी, उतना ही मिलना चाहिए ना। या तो कम मिलता है या उतना, उससे ज़्यादा कैसे मिला जब मैंने डिज़ायर ही नहीं किया उसके लिए, मैंने वो थॉट ही नहीं क्रिएट की, तो भी कैसे मिल गया? बिकॉज लॉर्ड सेज हैविंग पास्ट कर्मिक अकाउंट। दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो एम रखना है, आपने जैसे कहा पहले एक रूम था, फिर एक फ्लैट, फिर एक बंगलो, फिर विच इज़ फाइन। एम तो रखना है कि मैं किस रास्ते जा रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट है जो जो परिस्थिति, जो जो मेरे साथ अभी हो रहा है ये एक्यूरेट है। अच्छा होगा नहीं, अच्छा हो रहा है। जब हम क्यों कहते हैं कि the difference, pain is the difference between what you have and what you want. Yes, because every time what you have you're not happy with that. पेन क्यों है? पेन क्यों है? क्योंकि अभी आप संतुष्ट नहीं है तो दर्द है। सपोज आपके पास एक फ्लैट है, एक्यूरेट है जो मेरे पास अभी है, हाँ, तो फिर पेन क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं कि वो एक्यूरेट है ना। आपके पास अभी एक फ्लैट है, लेट्स से सिंपल डिजायर है एक बंगले की। अब बिटवीन व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू वांट, अगर आपके पास जो अभी है मकान है, फ्लैट है, अगर आप उसमें संतुष्ट हैं और आप काम कर रहे हैं एक बंगले को खरीदने के लिए, सो यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट बट कंटेंटेड विथ व्हाट यू हैव। अब आपकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस ये है कि अभी जो है वो भी बहुत अच्छा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, नॉट के अभी ठीक है फिर अच्छा होगा या अभी अच्छा है फिर बहुत अच्छा। आपके लैंग्वेज में सही है, सही होगा, अभी भी ये बहुत अच्छा है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट, परफेक्ट, एंड जो होगा वो भी बहुत अच्छा। इट्स नॉट अभी कम अच्छा फिर अगर आपने कहा अभी अच्छा फिर ज़्यादा अच्छा तो अभी पेन है ना, अभी पेन है क्योंकि होप है कि आने वाला दिन ज़्यादा अच्छा होगा, उसके लिए दुआ मांगने जा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग दुआ भी देते हैं आने वाला दिन तुम्हारा और अच्छा हो और अच्छी लाइफ बने और आप तरक्की करें और आप करें, क्योंकि हर चीज़ में दुआ आने वाली चीज़ के लिए मांगी जा रही है। डबल देना चाहते हैं आप बच्चों को, दुआ क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, प्रेयर क्या होनी चाहिए कि आने वाली बात कैसी भी हो आप स्ट्रॉन्ग हो, आप इतने शक्तिशाली हो, इतने पॉजिटिव हो कि आने वाली हर बात को आप इतने प्यार से क्रॉस करेंगे कि वो परिस्थिति आपके लिए सुंदर बनेगी। तो क्या होगा नहीं, जो हो रहा है, तो संतुष्ट अभी, कंटेंटेड, व्हाई? बिकॉज इट्स एक्यूरेट। नॉट कंटेंटेड कि मैं इतने से मैं कैसे कंटेंट हो जाऊँ, ये तो नहीं है व्हाट आई वांट इन लाइफ, मैं इतने में कैसे संतुष्ट हो जाऊँ। संतुष्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ये एक्यूरेट है एंड वर्किंग टूवर्ड्स वॉट आई वॉन्ट। तो उससे डिज़ायर ख़त्म होती है, एक्सपेक्टेशन ख़त्म होती है, एक्सेप्टेंस शुरू होती है, अभी भी खुश, अभी भी खुश एंड पावरफुल कि अगले मोमेंट को भी प्यार से फेस करके उसमें भी खुश। तो आज अच्छा तो कल भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सिस्टर। और अगले एपिसोड में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि किसी ने एक दुआ की थी पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए, May you have enough. हाँ, beautiful. इसको करते हैं कंटिन्यू। Sure. Thank you so much. ओम शांति। नमस्कार। Positive thinking is not about expecting the best to happen every time, but accepting that whatever happens is the best for this moment. Positive thinking means right thinking at every moment. Visualizing the best to happen, but then accepting the result and creating the right thoughts, irrespective of what the outcome may be. Positive thinking does not mean what will happen will be the best. It means whatever will happen will be accurate for me, according to my sanskars and past karmic accounts. Accepting the outcome of the situation keeps us stable at that moment. We retain the strength, confidence and motivation to put in our best in the next moment. If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 099 99 744 555.